नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दरअसल सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। अब एक खबर आया है कि मशहूर बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी अपने कार से कहीं जा रही थी और किस तरीके से उन पर एक हमलावर ने हमला किया है। वो खुद ड्राइव करके जा रही थी, जिसका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। पायल मुखर्जी किस तरीके से ट्रेवल करते हुए अपनी कार चलाते हुए जा रही थी और बीच रास्ते में एक शख्स ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका तो आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से उनके कार पर हमला किया जा रहा है। इस वीडियो को खुद अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया है और जिस तरीके से पायल मुखर्जी ने इस वीडियो को साझा किया है, उसके बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, बड़ा आरोप लगाया है दिलीप घोष ने और कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि एक मसले से पश्चिम बंगाल और देश की जनता उबर भी नहीं पाई थी कि ये दूसरा मामला सामने आ गया है। आखिरकार पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है और किसके शह पर हो रहा है, क्योंकि देखा जाए एक दूसरी ओर कोलकाता में डॉक्टर के मर्डर केस मामले को लेकर अभी भी सीबीआई जांच कर रही है। आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि ये पता चले कि आखिरकार ये पूरा मामला क्यों हुआ, किस वजह से अंजाम दिया गया और किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस मामले को जानने की कोशिश सीबीआई की तरफ से लगातार किया जा रहा है। हेलो, আমি লাইভ হিসেবে আসি না, আজকে আমি একটা জিনিস দেখাতে, আমি যে কালফিট তাকেও দেখাবো। আই ওয়াজ ড্রাইভিং and see kolkata southern avenue te 27 a etar samne ami roiche ei muhurte police esheche chhele tike dhora hoyeche okhane tar bike ta royeche khub prochur lokjon ekhane royeche ebong kolkata shohore ajke ami ei karoney elam live e amra eto kichu protest korchi eto kichu cholche tar moddho ekti mer minimum nirapotta bodhay ajke date amader ekhane nei ebong ami shei karoney elam দরজা খুলতে সাধন এভিনিউতে ওকে আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না। আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস মি। তারপরে সাদান এভিনিউতে, ইউ সি সাদান এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার কাজ, গাড়ির কাজ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাছে কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার কলকাতা শহরে এটা মেয়েদের সিকিউরিটি।